यहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज अयोध्या दौरे रहे। यहां उन्होंने शहर के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में काम किया है, उसे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं, उसमें भारत का 5वां स्थान है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया है आने वाले दिनों में 1 से 3 की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके लिए भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य भी अपनी भूमिका निभा रहा है। जब तक उत्तर प्रदेश राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। लगातार इन्वेस्टर समिट किए जा रहे हैं। 2018 से लेकर अब तक पहले इन्वेस्टर समिट में 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, उसमें से 4 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर उतारकर लखनऊ में ग्राउंड सेरेमनी प्रधानमंत्री ने किया था। बता दें कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अयोध्या जिले के सोहावल के देवई गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और शहर के रिकाबगंज स्थित ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फिर उसके बाद सड़क मार्ग से प्रयागराज के लिए रवाना हुए। जोरदार तालियों से उन सभी का उत्साह वर्धन करें। गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत समारोह और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय बृजेश पाठक जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश और दुनिया के पैमाने पर तेजी के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से इन 8 वर्षों में काम किया है, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है और हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं, उनमें हमारा भी नंबर 5 में आ गया है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में 1, 2, 3 में आ जाएंगे। उसके लिए भारत की इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उसके लिए लगातार इन्वेस्टर समिट किए जा रहे हैं। 2018 से लेकर अब तक पहले इन्वेस्टर समिट में 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, उसमें 4 लाख करोड़ से अधिक के धरातल पर उतार करके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में किया था। अब हम लोग फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। दुनिया के कई राष्ट्रों में हम लोग गए और वहां के उद्योगपतियों को इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया। अभी विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हम लोग जाकर के आमंत्रित कर रहे। कल परसों हम लोग हैदराबाद में थे। बड़ी संख्या में पूरे देश से पूरे दुनिया से उद्योगपति उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हरिकृष्णा परिवार का, ढोलकिया परिवार का, कि उन्होंने हमारी जो आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या पहला शोरूम खोलने के लिए चुना। मैं सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं पूरी व्यवस्था से जुड़े सब लोगों का कि अच्छी व्यवस्था किया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से भरोसा दिलाता हूं ढोलकिया जी कि आपको व्यापार को आगे बढ़ाने में हम लोग पूरी मदद करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी पाएगी। बहुत